बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। सो पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर व्हिच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इसमें हम एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर रिलेटिव टू अनदर पॉइंट। ठीक है, लेट सपोज मैं एक पॉइंट दे रहा हूं ओ, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, और मैं एक इनदर पॉइंट दे रहा हूं पी, जिसका मुझे पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 and y2। ठीक है, अगर इस पॉइंट का मैं पोजीशन फाइंड करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू इनदर पॉइंट, ठीक है, या रिलेटिव टू इनदर पॉइंट, वो रिलेटिव पॉइंट में ओ को लेता हूं, ठीक है, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर मैं पी को ओ से मिलाता हूं तो ओ पी इज माई अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दिस ओ पी इज बेसिकली माय अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम उसको फाइंड किस तरह करेंगे। सो ओ पी इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज x1 y1। सो माय ओ पी इज इक्वल टू x2 minus x1, दिस इज i, प्लस y2 minus y1 j। सो दिस इज माई बेसिकली पोजिशन वेक्टर। आपको एक बात याद करना चाहिए कि हम अगर ओ बी फाइंड करना है तो मैं पी के कोऑर्डिनेट से एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, पोजिशन वेक्टर में जरूरी बात जो आपको याद करनी है, मेन पॉइंट, ये जो रिलेटिव पॉइंट है, मैं जो पी का पोजिशन फाइंड करना हूं रिलेटिव टू अनदर पॉइंट ओ, ओ ये जो अनदर पॉइंट है ये हमेशा ही पोजिशन वेक्टर में ओरिजिन होना चाहिए, ये हमेशा ही ओरिजिन ही होगा। तो इसका मतलब कि माई x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो जाइए। लेकिन अगर ये मैं 2 डायमेंशनल में पॉइंट को लोकेट करता हूं, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो z1 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, और 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास जो पोजिशन वेक्टर बनता है वो बराबर होता है प्लस z2 minus z1 इनटू k। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन वेक्टर बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, और जरूरी बात जो है, ये पॉइंट को स्पेसिफाई करता है रिलेटिव टू इनदर पॉइंट, और ये जो इनदर पॉइंट है जिसके रिलेटिवली ये स्पेसिफाई करता है वो हमेशा ही ओरिजिन होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं क्यू, लेट सपोज दिस इज माय अनदर पॉइंट क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट है लेट सपोज x3 y3। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ओ से मिला लेंगे तो दिस इज माय अ पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। ठीक है, और ओ क्यू हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, दिस इज 3 and y3, सो x3 minus दिस इज x1 i प्लस y3 minus y1 j। ठीक है, तो दिस इज माई पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू। ठीक है, अब अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर लू तो मेरा देखो x1 y1 क्या है, इस केस में ओरिजिन को मैं कंसिडर करता हूं, जब ओरिजिन को मैं कंसिडर करता हूं तो x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो माय पोजीशन वेक्टर ओपी इज इक्वल टू x2 विच इज x2। सो यहां पे तो पॉइंट x2 इनटू i प्लस y2 इनटू j। ठीक है, एंड माय पोजीशन वेक्टर ओक्यू इज इक्वल टू x3 i प्लस y3 j। सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ओपी एंड ओक्यू। समझ गए, अब आते हैं इसके बाद व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्री वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्री वेक्टर, वो क्या है, तो उसको भी मैं ही इसी डायग्राम से आपको बताऊंगा। इधर देखो, अगर मैं पोजीशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना चाहता हूं, p विद रिस्पेक्ट पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली p को q से मिलाऊंगा। ठीक है, सो ये मेरा एक वेक्टर बनेगा एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर आर अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर में सिर्फ फर्क यह है कि पोजीशन वेक्टर में हम रिलेटिव पॉइंट ओ को ओरिजिन लेते हैं, और फ्री वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जरूरी नहीं है, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें बाउंड्री कंडीशन आपके पास नहीं है, जो भी ले सकते हो ले लो, लेकिन इसमें हमेशा ही हमारे जो रिलेटिव पॉइंट होगा वो ओरिजिन ही होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम से मेरा पी क्यू जो बनेगा वो फ्री और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, और सिंपली उसके जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होगा x3 minus x2 i प्लस y3 minus y2 j, दिस इज माई फ्री वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप सिर्फ पी क्यू, आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप क्यू पी को भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको डायग्राम से बताऊं कि मैं क्यू पी को भी ले सकता हूं, दिस इज माई पी क्यू फ्री वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज माई क्यू पी फ्री वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्यू पी को हम सिंपली इस तरह लिखेंगे कि वो बराबर होगा किसके, वो एक्स टू, ठीक है, क्यू पी, क्यू पी, पी से क्यू को माइनस करो, एक्स टू माइनस एक्स थ्री आई एंड प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री जे, दिस इज माई प्री और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यू पी, ठीक है। एक बात याद रखो कि किसी भी प्री वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पी क्यू और क्यू पी जो है, क्यू पी इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ क्यू, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिंपली डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पोजिशन वेक्टर एंड फ्री वेक्टर, ठीक है। अब इस पे हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह हम इस पे एमसीक्यूज बनाते हैं, या हम एक्सपेक्ट करते थे कि किन टाइप ऑफ एंटिटीज में से एमसीक्यूज आते हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं इस पे एमसीक्यूज। ठीक है, हमें देखो एक पॉइंट दिया है पी वन, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, थ्री डी में हमें दिया है, ठीक है। एक पॉइंट हमें पी वन दिया है और उसके कोऑर्डिनेट दिया है, सपोज वी हैव गिवन अ पी वन पॉइंट विच इज इक्वल टू 3, 2, 1, ठीक है। वी हैव ऑल्सो गिवन पी टू, इट्स कोऑर्डिनेट इज 1, 1, 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वन फाइंड करना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी टू फाइंड करना है, और मुझे पी वन पी टू भी फाइंड करना है, और हमें पी टू पी वन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व किस तरह करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर के लिए जरूरी है कि हम रिलेटिव पॉइंट हमारा क्या, वो ओरिजिन होगा, तो उस मतलब ये है कि हमारा जीरो जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास जीरो जीरो जीरो, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ये ओ है, मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। तो देखो सिंपली अगर मैं पोजीशन वेक्टर ओ पी वन फाइंड करना चाहता हूं, तो इक्वेशन को यूज करूंगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू, ठीक है। तो देखो ओ पी वन इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स टू, सो मैं पी वन, पी वन क्या है मेरा थ्री थ्री, एंड व्हाट इज एक्स वन, तो मेरा हमेशा ही एक्स वन वाई वन जेड वन जीरो होगा, मैंने अभी बताया कि पोजिशन वेक्टर में हमारे पास हमेशा ओरिजिन से होता है, तो दिस इज जीरो आई प्लस टू माइनस जीरो जे प्लस वन माइनस जीरो के, ठीक है। तो ओ पी वन इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजिशन वेक्टर ओ पी वन। देखो एक बात याद रखो, अगर आप ये इक्वेशन यूज नहीं करते, डायरेक्टली आप किसी भी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर को डालते हो, तो सिंपली जो पॉइंट दिया है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ आई यूनिट वेक्टर लगा दो, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के लगाओ, तो ये पोजीशन वेक्टर आपके पास डायरेक्टली बन जाएगा। जिस तरह देखो ये 3, 2, 1 है, तो देखो आई के साथ 3, जे के साथ 2 और के साथ 1, क्यों, क्योंकि हम जो उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, तो उसका इफेक्ट नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली ओ पी टू पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस इज 1, सो दिस इज आई प्लस 1 जे एंड प्लस 0, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो ओ पी टू इज माई आई प्लस जे, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखो P1, P2, दिस इज नॉट अ पोजिशन वेक्टर, दिस इज अ फ्री और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन नहीं है, एंड दिस इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे, तो P2 से P1 को माइनस करो,
और इस केस में P1 से P2 को माइनस करो, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को भी यूज करते हैं हमें, पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सेम इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि पोजीशन वेक्टर में जो हमारे पास रिलेटिव पॉइंट वो ओरिजिन होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में किसी भी पॉइंट को तुम ले सकते हो, ठीक है। तो पी वन माइनस पी टू हमारे पास में, अगर क्विकली इसका इक्वेशन लिखो, पी वन सॉरी नॉट पी वन माइनस पी टू पी वन पी टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट और फ्री वेक्टर इज इक्वल टू पी टू से पी वन को माइनस करो। सो दिस ये वन से थ्री को माइनस करो, वन से टू को माइनस करो, जीरो से वन को माइनस करो, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री आई प्लस वन माइनस टू जे प्लस जीरो माइनस वन के, ठीक है। सो पी वन पी टू इज इक्वल टू, दिस इज माइनस टू आई एंड दिस इज माइनस वन जे एंड दिस इज माइनस वन के, ठीक है। दिस इज माई पी वन P2 free or displacement vector, ठीक है। अगर मैं P2 P1 को find करना चाहता हूं तो P1 से P2 को मतलब इससे इसको subtract करो, तो 3 minus 1 I plus 2 minus 1 J plus 1 minus 0 के, ठीक है। So P2 P1 a position vector, not a position, a displacement vector is equal to 2I plus J and plus K, ठीक है। अब अगर देखो, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी करूं और माइनस से इससे मतलब माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, या इससे मैं माइनस को कॉमन ले लूं, सो पी टू पी वन इज इक्वल टू, इस तरह मैं कर सकता हूं कि मैं माइनस को कॉमन ले लूं, तो देखो यहां पे प्लस है तो मुझे इसका प्लस ले आना है, तो ये माइनस है तो ये माइनस टू है, क्योंकि देखो माइनस इन टू माइनस प्लस आएगा, ये भी प्लस है तो माइनस जे और ये भी प्लस है तो माइनस के, ठीक है। तो देखो पी टू एन टू पी वन इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ये हमारे पास क्या है, P1 और P2 है, तो यही अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास ये इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते हैं, बाकी इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है।